फाइनली हिजाब का बर्थडे ड्रेस जो है वो फाइनल हो गया है। अब हम इसको बना के देख रहे हैं कि हिजाब को कौन सा साइज आता है। आई थिंक यही साइज इसके लिए अच्छा है। हिजाब की बर्थडे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैं कुकिंग कर रही हूँ, ये मैस आप देख रहे हैं सारा। अभी सब कुछ जो है वो फैला हुआ है और हम डेकोरेशन में लगे हुए हैं। अभी रात के 9 बज रहे हैं और हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी आए हुए हैं और हम सब मिल के डेकोरेशन कर रहे हैं। बच्चों के फेवरेट गुडी बैग्स भी बन रहे हैं और इसमें हम लोगों ने थोड़े से टॉयज डाले हैं और बच्चों की रिंग्स हैं और पार्टी पॉपर्स हैं, चॉकलेट्स हैं, जो सारी बच्चे हैं उनको जो जो पसंद है वो ऐड किया है। साथ साथ मेरी कुकिंग भी जारी है, मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं जिसकी रेसिपीज मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। हिजाब सो गई है ताकि ये सुबह उठेगी तो ये जब बाहर देखेगी सारी डेकोरेशन तो बहुत एक्साइटेड हो जाएगी। चलें हम तैयारी करते हैं और हिजाब को फिर सुबह दिखाएंगे। हिजाब, हिप्पी, वेक अप, हिजाब उठ जाओ, हिजाब पास एक पार्क है तो यहाँ पे अभी हमने हिजाब का फोटो शूट किया है और हिजाब अपने बाबा के साथ जा रही है आगे और अब हम चलते हैं घर क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं। चले अब मैं आपको फाइनल डेकोरेशन दिखाती हूँ। Thank you.
केक कटिंग के बाद खाना खुल गया है और खाने में है जी तंदूरी ड्रम स्टिक्स, चिकन शाशलिक स्टिक्स, चिकन मलाई हांडी, मटन कोरमा, चिकन मंचूरियन, चाइनीज फ्राइड राइस, चिकन चीज पास्ता एंड रोगनी नान। हिजाब की बर्थडे हो गई है और खाना भी सबने खा लिया है, अब बस सब चाय का वेट कर रहे हैं और अब हम चाय बनाते हैं। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको हिजाब की बर्थडे पसंद आई होगी। और अब रात के 1 बज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। बर्थडे हमने लास्ट वीक करनी थी लेकिन हिजाब बीमार हो गई थी और उसके बाद हमने कहा कि चलो बर्थडे को पोस्टपोन कर देते हैं, तो इस वजह से फिर हमने 1 वीक बाद बर्थडे की। और अब सब जा चुके हैं, सारा क्लीन हो चुका है और जब भी कोई इस तरह होता है तो मैं फिर सारा घर सारा मॉप लगा के सारी सफाई करके फिर फारे होती हूँ। तो अब सोने का टाइम आ गया है, उम्मीद है आप लोग को मज़ा आया होगा ब्लॉग देख के। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जाओ अल्लाह हाफिज़।